वीडियो मार्केटिंग जो है वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, क्या उसके सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, उस हवाले से ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेजरली हमारा फोकस होगा एनिमेशन के ऊपर, के ऊपर एनिमेशन आप कैसे कर सकते हैं और पाकिस्तान में एनिमेशन जो लोग करते हैं उनका क्या फ्यूचर हो सकता है या किस तरह से जो है वो उसको लेके चल सकते हैं। तो उसी वाले से आज हमारे साथ जो है वो एक एक्सपर्ट मौजूद है। इनका तारुफ अगर मैं कराऊँ तो इनका नाम जो है वो फराज हैदर है और प्रीवियसली जो है ये मुख्तलिफ स्टार्टअप के साथ काम करते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी जो है वो कंपनी स्टार्ट की टेक्नो मैकेनो के नाम से और रोबोटिक सर्विसेज और मार्केटिंग सर्विस जो है वो ऑफर शुरू की। साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट R&D के साथ भी इन्होंने कई साल जो है वो अपनी सर्विसेज जो है दी। उसके बाद जो है देन मूव टू बर्गर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक काइंड ऑफ NGO की तरह काम कर रही है। वहाँ पे इन्होंने एज ए स्ट्रेटेजिस्ट और मार्केटिंग कंसल्टेंट और एनिमेशनिस्ट जो है वो इन्होंने सर्व किया। और करंटली अगर हम लोग बात करें तो ये PITP के एक प्रोजेक्ट प्लान 9 के अंदर जो है वो एज ए एनिमेशन स्पेशलिस्ट है। उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ कंपनी के साथ इंटरनेशनल नेशनल कंपनी के साथ जो है वो फ्री लांसिंग भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले फराज साहब वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू सो मच सर। अनान भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और PYPNY की जो ट्रेनिंग्स चल रही है मैं अक्सर देख रहा होता हूँ। उन ट्रेनिंग्स में इतना ज़बरदस्त किस्म का मवाद होता है सीखने के लिए, स्पेशली इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब कुछ ना कुछ लर्न कर ही रहे होते हैं उसके हिसाब से। और मैंने जैसे कि सब लोगों को बताया भी था कि PNY में जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं वो लें, और उन्होंने लिए काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप लोगों का काम काबिले तारीफ है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा यहाँ पे मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एनिमेशन वाली साइट पे गए, आपने उसमें काम किया, जब आप इन्हें एनिमेशन वाली साइट पे जा रहे थे तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें थी, अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें, जिन्होंने आपको प्रोवोक किया कि यार अब मुझे एनिमेशन वाली साइट पर चला जाना चाहिए या इसकी वजह से मुझे ये फायदा हो सकता है, तो उस हवाले से अगर आप थोड़ी गाइडेंस दे सकें हमें। हाँ भाई, ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है। इससे पहले थोड़ी सी इसके पीछे के बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड होता है कि यानी कि अगर आप किसी की तरफ चलते हैं, किसी की तरफ कोई आप इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है, ठीक है। इसी तरह मेरे पीछे भी किसी कोई स्टोरी लाइक थी कि बड़ा शौक होता है कि आप देखते हैं कि कुछ एनिमेशन हो रहा है यार, एनिमेशन वर्ल्ड लाइक प्लेन जहाज उड़ रहा है, कोई इस तरह की कोई गाड़ी जो है वो आप उसको मूव करवाते हैं, ठीक है। इस तरह आप आजकल की जो फिल्में देखें, ठीक है, एनिमेशन जो मूवीज़ आई हुई हैं उसको देखें, और जो पहले सबसे पहले शुरू हुई थी एनिमेशन मूवीज़, तो उनमें उनको देख देख के शौक पैदा होता है कि यार बड़ी ज़बरदस्त काम है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, अच्छा इसको करेंगे तो क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हमें ज़रूरी होंगी। तो ये इसको करने से करने के लिए जो है ना वो फिर पहले पैशन होना बहुत ज़रूरी है। काम को करने से पहले पैशन, यानी कि जुनून पैदा करो अपने अंदर, अपने चीज़ों को अलाइन करो और देन उस पर फिर काम शुरू करो, फिर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। इसी तरह मैंने भी ये जब शुरू किया था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ स्पीरियर यूनिवर्सिटी से, जब मैं डिग्री लेकर बाहर निकला तो मेरे पास काफ़ी रास्ते थे, तो जिस तरफ मेरा जुनून था फिर मैंने उसी लाइन को चूज़ किया और एनिमेशन की तरफ आया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्लान 9 PITB में जो है ना वो एक एनिमेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैंने बनाई, एनिमेशन मूवमेंट और इवेंट्स कवर किए। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले बेसिक लेवल से आपने शुरू करना होता है और फिर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं कि आपको सारे पिछले सारी चीज़ों को कवर करके एक ऐसी चीज़ डेवलप करनी होती है जो सबको पसंद आए। सो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था जिसमें एनिमेशन के लिए जो है मैंने काम किया था। मैं साथ साथ बताऊँगा भी एनिमेशन 2D और 3D एनिमेशन क्या क्या तैयार किए। जी अच्छा, हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि फराज साहब जो है वो अपनी जॉब और अपने इतने सारे कामों के साथ साथ जो है वो एक अदर यूट्यूब चैनल भी जो है वो रन कर रहे हैं फराज ऑफ ब्यूटी के नाम से, और इंशाल्लाह एंड पे हम उसके बारे में पूछेंगे कि उसकी क्या इंस्पिरेशन थी। अच्छा क्या साथ साथ चलते जाते हैं, मैं चाहूँगा कि जो जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है उनको अगर आप ये समझा सकें कि एक्चुअली ये एनिमेशन होती क्या है, ठीक है। एक तो रियलिटी होता है वो तो हम सब देखते रहते हैं, लेकिन एनिमेशन क्या होता है और किस तरह से हम समझा सकते हैं ऑडियंस को इसको। अगर हनान भाई सवाल लिटरली बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल पूछा आपने, क्योंकि देखिए ये एक एक ऐसी चीज़ है एनिमेशन का, जब आप नाम लेते हैं ना तो फिर साथ में आपको थोड़ा सा जो माइंड है ना उसको थोड़ा सा बचपन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप सोचें तो सही कि बचपन में हम सोचते थे कि यार ऐसे स्टार्स लाइक
इस तरह की चीज़ें और मतलब के माइंड में वो जो क्रिएटिविटी आती थी, तो ये बेसिकली अब एक रियल वर्ल्ड तो है, उसके साथ जो एक हम रियल वर्ल्ड के अंदर ही एनिमेशंस को अप्लाई करना शुरू कर दिया हुआ है हमने। अब पहले तो सोर्सेस नहीं थे, लेकिन अब जो जितने सोर्सेस हैं उसके रिलेटेड, उसके साथ साथ, और अब जैसे देखें कि अगर कोई एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अगर देखता है, आपने ख्वाब देखता है, तो अगर उस ख्वाब को अगर हम किसी एक ऐसे ड्रॉ करके और उसको थोड़ी सी मूवमेंट देते हैं, थोड़ी सी हरकत देते हैं, यानी कि उसको लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना, दिस इज एनिमेशन, ये एनिमेशन है। उसके लिए जो खुशी और उसके लिए जो वो होती है ना, इस तरह की खुशी हमें भी होती है जब हम वो एनिमेशन बनाते हैं। सही है। अब देखें, अगर मैं आपको बात करूँ सिंपल अल्फाज में, तो एक पिक्चर है, उस पिक्चर को आपने मूव करना है, किसी भी एंगल में मूव करें, लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई भी किसी तरह मूव करें, दिस इज एनिमेशन। आपने काइंडली आपने देखे होंगे वो जिफ होते हैं, थोड़े से जिफ ऐसे ब्लर करते हैं, ऐसे करते हैं, ब्लर होते हैं, तो वो बेसिकली एक सिंपल स्मॉल सी एनिमेशन है। ठीक है। अब एनिमेशन में जाके देखें तो हमारे पास एनिमेशन दो किस्म की आती है, एक 2D और एक 3D। 3D में तो आप देखेंगे कि एक्स वाई जी तीन होते हैं, 2D में हमारे पास एक्स वाई होते हैं। तो अगर एक पिक्चर को अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा 2D है, अगर एक पिक्चर को हम पिक्चर के अंदर एक थोड़ी सी मूवमेंट ऐसी डालते हैं कि वो लेफ्ट राइट थ्री एंगल्स के साथ मूव करती है, तो वो 3D होती है। काफी लोग जो है ना वो सबसे पूछते हैं कि यार ये 3D कैसे होगा, 3D कैसे होगा, 3D कैसे होगा। अगर 2D के बाद, 2D जब कर लेते हैं, 2D के बाद जब आपका एक स्टेप कोई और नेक्स्ट करें, तो 3D में हम शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह ये बेसिक तो मकसद ये है कि एनिमेशन के अंदर जो है, अगर हम पिक्चर को अगर हम करते हैं इमेज को कोई आगे पीछे किसी तरह भी रोटेट करते हैं, दैट इज एनिमेशन। ठीक। अगर थोड़ी सी अगर उसकी बात करें, अगर उसकी हिस्ट्री को, तो सबसे पहला कार्टून आया था दी फैंसी के नाम से, ब्लैक स्क्रीन होती थी और वाइट सिर्फ मार्कर से बना होता था, तो वो मूव करता था, और इतनी बेसिक एनिमेशन थी। देखो, सबसे पहले एनिमेशन बनी ना, वो हार्डली 3 सेकेंड्स की थी, 3 सेकेंड्स की सबसे पहले एनिमेशन बनी थी, और वो एनिमेशन ऐसे हिट हुई और तब से वो चलता चलता चलता, अब ऐसी एनिमेशन आ गई हैं। आप देखेंगे कि जैसे कि हॉलीवुड की जितनी मूवीज हैं, बॉलीवुड की जितनी मूवीज हैं, जैसे वो गाड़ी को उल्ट करना और उसके बाद आप अगली एनिमेशन लाना, और फास्ट को स्लो करना, स्लो को फास्ट करना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज करना, ये सब की सब 3D एनिमेशन में जा चुके हुए हैं। आपने अक्सर वो वीडियोस, आजकल तो वैसे व्लॉग्स भी आ चुके हुए हैं, जो लोग वीडियो काम कर रहे हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो ऐनक पहनते हैं, तो वो सर्कल्स में कोई लाइट्स आ रही होती हैं, तो इस तरह कोई जैकेट पहनते हैं, तो उनकी जैकेट्स लाइट्स कर रही होती है, दैट्स कॉल्ड एनिमेशन। एनिमेशन है जिनको क्रिएट किया जाता है, जो क्रिएट करता है उसको एनिमेटर्स कहा जाता है। तो ये बेसिक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था। एनिमेशन अब इतना बढ़ना शुरू हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है कि हर एक यूट्यूबर भी यही चाह रहा है कि मैं अपनी एक ऐसी एनिमेशन तैयार करूं कि जिससे मैं अर्न भी करूं, जिससे मैं पैसे ही कमाऊं, और वो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, चंद टूल्स हैं, आप उनको सीखें, समझें और उसके बाद उस पर काम करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, वो तीसरा चीज़ है, वो जुनून है, वो लाजमी है। जुनून के बगैर अगर आप कहें ना कि मैं तैयार करवा उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, नहीं, एक तैयार करने के बाद रुक गए तो काम नहीं होगा। तो ये बेसिक बेसिकली ये चलता ही है एनिमेशन की। तो और बड़ी सारे टेक्निक्स हैं आजकल, बहुत सारी हमारे पास एप्स आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसके ऊपर हम जो है ना वो चीज़ों को डालते हैं, देन उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो एनिमेट करके हमें जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। ये तो बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो था एनिमेशन। आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन के कुछ टूल्स भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी मूवीज भी आई हैं, वो भी रिकमेंड करूँगा ज़रूर। आज भी हमसे जाहिर सी बात है, जब भी कोई स्किल सीखने आता है ना, तो स्किल सीखने से पहले हर किसी का फोकस होता है कि ये सीख के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरा भी आपसे ये सवाल है कि एनिमेशन करके एक आम पाकिस्तानी, एक लड़का लड़की अगर एनिमेशन सीखता है तो कितने पैसे कमा सकता है, कहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है और की एंडिंग कहाँ तक है, कहाँ तक वो पैसे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, सीरियसली ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर बंदा सबसे पहले पूछता ही है कि भाई अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। जी, मैं जो बताता हूँ ना कि एनिमेशन स्पेशलिस्ट, पहले पूछते हैं कि होता क्या है, फिर पूछते हैं कि सैलरी कितनी है। ये दो बेसिक सवाल ऐसे हैं
कि जो कि बड़ा मतलब कि हर चीज से रिलेट करते हैं, मतलब कि पहले पूछते हैं, पहले उनको बता देंगे जी एनिमेशन ये होती है, इस तरह आप करते हैं कोई फिल्म्स में या मूवीज में या उसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट्री में, फिर जब सवाल आता है कि आपकी सैलरी कितनी है, फिर जब बताते हैं वो कहते हैं अच्छा इतनी भी होती है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि इसकी बेसिक सैलरी जो है ना वो 60,000 से 70,000 जो है ना वो बेसिक सैलरी है। जो एक छोटे से छोटा एनिमेटर भी कोई किसी पिक्चर्स को या वीडियोस को थोड़ा सा रोटेट करके एनिमेशन बना के या उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल के अगर बना लेता है ना, तो उसकी 60 से 70 हज़ार रुपया बेसिक सैलरी है। वो कोई भी इदारा, प्राइवेट इदारा जो है ना वो आराम से इजीली दे सकता है, ठीक। और लेकिन उसके लिए जो है ना वो आपका थोड़ा सा आपका हाथ जो है होना चाहिए टूल्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं उनके ऊपर। आपने अभी रिसेंट देखी होंगी कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है, डोंकी किंग आई है मूवी, आपने जी देखा होगा बुरखा एवेंजर्स, तीन बहादुर, ये देखिए ये एनिमेशन, ये टोटली एनिमेशन है। बाकी अगर मूवीज देखें तो उसमें एनिमेशन होती हैं, लेकिन वो एक इस लेवल की होती हैं कि अगर आप वीडियो को स्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, वो साइडों पे ब्लिंक कर रही होती हैं या वो चल रही होती हैं साथ साथ, या टेक्स्ट के साथ आप टिपोग्राफी करते हैं तो वो टेक्स्ट के साथ साथ चलती रहती हैं वीडियो के साथ साथ। देन अगर आप टोटली एनिमेशन की तरफ देखें, तीन बहादुर देखें आप मूवी, पूरा करेक्टर जनरेट हुआ, देन उसके बाद फिर वो बने, फिर उसकी मूवमेंट करवाई, मूवमेंट के बाद फिर उनकी वॉइस ओवरिंग होती है। ये एक जी टोटल काम है। अगर ये टोटल काम की आपको पूरी समझ आती है तो आपको मैं सीरियसली समझा रहा हूँ कि आपकी बेसिक सैलरी जो है ना वो 1 लाख से क्रॉस करेगी। बेसिक सैलरी आपकी 1 लाख से क्रॉस करेगी, देन उसके बाद जो इंक्रीमेंट है, बाद आपकी जो प्रमोशंस हैं वो आपकी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जब वो करेक्टर इस्तेमाल यूज होना शुरू होता है तो जहां जहां यूज होता है उस करेक्टर्स के भी जो है ना वो आपको पे करते हैं। यहाँ पर इस हमारी इस फील्ड में, एनिमेशन फील्ड में ये सीन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि देखो आप चाहते हो सिंपल कि मेरी 70,000 रुपये मैं बेसिक शुरू करूं, तो आपके पास तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझे आप। दूसरा आपके दिमाग में क्रिएटिविटी, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ ली, क्लाइंट ने अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल बता दिया कि यार मैं एक ऐसा कार्टून चाहता हूँ कि जो कि आपका इस एरिया में ऐसे एक एरिया और उसमें मूव करे, अब उसके बाद उसने ये नहीं बताना कि मेरा कार्टून कैसा हो और एरिया कैसा हो, ये फिर आपका माइंड सोचेगा कि आपकी क्रिएटिविटी आपकी बताएगी कि आपका वो एरिया कैसा है, आपका वो कार्टून कैरेक्टर कैसा है, वो मूव कैसे करेगा, फिर इसमें चीज़ें क्या होंगी। अगर इसको अगर हम लेके जाएं फिल्म वाली साइड पे, फिल्म मेकिंग की तरफ ले जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फिल्म बनाते हैं, उस फिल्म के अंदर आपने कोई एक गाड़ी है उसको फास्ट मूव करवाना है, ठीक है, आपने उस गाड़ी को अगर आप स्लो चलाएं, उसको कहेंगे जी आप गाड़ी स्लो चलाते हुए और यहाँ से गुजरते हैं, मैं शॉर्ट ले लेता हूँ। शॉर्ट लेने के बाद जब आप उसको रेंडिंग के लिए मशीन में डालते हैं, उसको सॉफ्टवेयर में लाते हैं, तो कहाँ कहाँ से आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मैंने, आपने खुद शॉर्ट लिया है, आपको रेडी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मैंने उसको फास्ट करना है, कहाँ कहाँ से स्लो करना है और कितना और ड्यूरेशन टाइम उसको मैंने देना है, ये क्रिएटिविटी। और उसके बाद उसमें क्या इफेक्ट डालना है, ये क्रिएटिविटी है बेसिक, कि वो रियल लगे, फेक ना लगे। फिर उसके बाद ग्रीन स्क्रीन आ जाती है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर काम करना आना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर फिर लाइट्स को देखना आना चाहिए कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर अगर कोई लाइट्स है तो आपके फेस के ऊपर क्या टच कर रही है, कहाँ से आपको कोई शेडो तो नहीं आ रहा, जैसे कि आपको मेरे पीछे यहाँ शेडो नजर आ रहा होगा तो मैंने लाइट लगाई हुई है, तो मतलब कि ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर एक साइड अगर हम उसके ब्लैक कर दें और एक साइड अगर हम व्हाइट रखें तो देन वो क्या टेक्सचर देगी और वो किस तरह एनिमेट उसको करेंगे। अगर 3D एनिमेशन में देखें तो 3D एनिमेशन 3 डिमेंशंस, 2 डिमेंशन में लेफ्ट एंड राइट, यहाँ आप कहें कि उसको लेफ्ट एंड राइट 2D में देखेंगे, तो ये बेसिक थी। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, दूसरा क्रिएटिविटी, और तीसरा आपका अपना जुनून कि आप उसको कितनी देर टाइम में करके और उसको कितनी जल्दी में उसको देते हो तो आपकी वो टोटल क्या बनता है। ये एक बेसिकली जो है ना वो अर्न करने के जो है ना वो आसान तरीके, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को, टाइम जुनून के साथ टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम कैसे देना है वो भी बेसिक है। अभी क्वांटम एज ये जो अभी ड्यूरिंग डेज चल रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इन जो है ना वो आसानियाँ पैदा करे, इन डेज के अंदर सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप यूट्यूब पे जाएं, आप उनके ट्यूटोरियल्स देख लें, आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, टूल्स मैं आपको बता सकता हूँ
टूल भी अडोब फोटोशॉप है, अडोब प्रीमियर है, अडोब ऑफर इफेक्ट है, ये 2D में आप इसको कर सकते हैं। 3D में जाना है तो आप माया है, मैक्स है, उसके बाद आप ब्लेंडर है, ये 3D एनिमेशन है, इनके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, आप इनको देखें साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसके बाद फाइवर पे चले जाएं। अगर फाइवर पे जाते हैं आप तो फाइवर पे आपको एक एनिमेशन करने के तो सीधे सीधे सिंपल एक एनिमेशन करने के आपको 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं एक छोटी सी एनिमेशन करने के। आप मुझे आप बताएं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप 60-70 हज़ार रुपये मंथली कमाते हैं, अगर आप फाइवर पे जाके दो प्रोजेक्ट करते हैं तो आप एक जॉब से डबल पैसे जो है ना वो फाइवर से खुद घर बैठे निकाल सकते हैं। अगर आप 15 दिन का एक प्रोजेक्ट करें और उसके ऊपर आप छोटी सी एनिमेशन करें और वो उनको सबमिट कराएं और आप अर्न करें, ये एक बेसिक है। इस पे अच्छी सैलरीज भी हैं। अभी अगला जो नेक्स्ट दौर आ रहा है वो सारा इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि ऐसी ऐसी एनिमेशन मूवीज़ आ रही हैं, फ्रोजन 2 है, एंग्री बर्ड है, फिर उसके बाद द लाइन किंग है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ आ गई हैं जो टोटली एनिमेटेड है, टोटली 3D एनिमेशन पे हैं। तो इनके इनको देख के जुनून बच्चों को पैदा होता है। पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें शुरू हुई थी लेकिन काफ़ी चीज़ें बंद भी हो गई, काफ़ी चीज़ें अब नई शुरू भी हो रही हैं। तो उम्मीद तो यही है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चलेंगी। लेट्स सी, आई होप ये क्या बनता है उसमें देखते हैं। अच्छा, साथ साथ हमारे पास है ना फेसबुक पे भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो उमर खान साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। जराब सैद साहब कह रहे हैं वाओ सर जी, थैंक यू सर जी। अच्छा, यहाँ पे जे जे जो है आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आई एम अ एनिमेटर बट आई डोंट अर्न मच मनी फॉर दैट, तो इसके वाले से क्या सजेशन देंगे कि मतलब एज एनिमेटर ये काम शायद कर रहे हैं या अभी शायद शुरू किया लेकिन कोई अर्निंग अभी अच्छी नहीं कर रहे, तो ये इस तरह के लोग क्या कर सकते हैं? ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी मतलब कि उन्होंने काफ़ी सवाल उन्होंने जो उठाया है काफ़ी अच्छा है। सिंपल इसमें सवाल में अगर देखें ना, इनके सवाल के अंदर ही जो है ना वो जवाब है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, तीन चीज़ें जैसे बताई ना कि आप अगर आप आपके पास क्लाइंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है, आप चाहते हैं फिर भी मेरे पास जो है ना वो कुछ अर्न करने के लिए कुछ मिले, तो आप यूट्यूब के ऊपर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप अपलोड करना शुरू करें। छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं कि मैं ये एनिमेट करता हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें की एनिमेट करता हूँ। आप किसी चीज़ों को मूवमेंट करवाएं, आपके ऊपर घर के ऊपर घर के पास कैमरा है, घर में कैमरा है, या आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल के ऊपर रोटेशन करके दिखाएं, ऐसे करके लेफ्ट एंड राइट के रोटेशन दिखाएं, डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स बनाएं उसको। फिर पॉइंट्स बनाने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना 3D एनिमेशन या 2D एनिमेशन में, उसका साउंड इफेक्ट होता है। जब किसी एक मूवी का अगर साउंड नहीं होगा ना तो कोई नहीं देखेगा। बगैर साउंड के मूवी, अगर साउंड उसका अच्छा है और मूवी आपकी कुछ भी नहीं है फिर भी देख लेगा, फिर भी वो देखेगा जरूर, क्योंकि साउंड इफेक्ट आपका जो है ना वो आपके डायरेक्ट जो है ना वो हिट करता है आपके आपको, और वो आपको ऐसी फील देता है, ऐसी फील देता है कि वो आपको लगता है कि यार वाकई ये चीज़ रियल हो रही है, शायद हो रहा है, ठीक है ना। आगे हाँ, अब पहले जो हम करते थे हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है, शायद हनान भाई आपको याद हो, R&D में हम जो छोटी छोटी एनिमेशन बनाते थे गाड़ी के ऊपर बैठ के, और गाड़ी से उतरने के बाद वो जो एनिमेशन आती थी उसके पीछे वो हमारा एक बड़ा बेसिक था। अगर बेसिक कुछ लोग जो एनिमेशन सीख रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, अगर बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक में काफ़ी चीज़ों का हर चीज़ को नोट करें, हर चीज़ को नोट करें। एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से लेके उसके जो पाँव के जो कदम होते हैं उनकी भी आवाज़ जो होती है ना उसको भी एनिमेट करें, ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है। और जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाएंगे आपको ये चीज़ें जो है ना वो बहुत छोटी लगेंगे और कहेंगे यार हम अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आप जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आपके पास क्लाइंट भी होगा, आपके पास क्रिएटिविटी भी होगी, देन उसके बाद फिर आपके पास एक ऐसा जुनून होगा यार वाकई, जब पैसा आता है तो जुनून भी बनना शुरू हो जाता है। ये एक माइंड की सिस्टम है जिसमें हम जो है ना वो ऐसे ही है। जी अच्छा, साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी लेते जाते हैं, यहाँ पे की हो रही है तो मैं बताता चलूँ कि PNY जो है इस वक्त एनिमेशन में जितने भी टूल्स हैं वो सारे ऑफर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी इन्फॉर्मेशन भी एंड पे देंगे। अच्छा, साथ साथ जो है वो हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं आज के वाले से, वेरी इन्फॉर्मेटिव, अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन सेक्शन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरा वो आपसे ये है कि आने वाले दिनों में जैसे आप कह रहे हैं कि जी वीडियो एनिमेशन का फ्यूचर बढ़ रहा,
तो इसके हवाले से पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक रहने वाला नौजवान आज वीडियो एनिमेशन साइट पे जाता है, तो आज से 10 साल के बाद उसको क्या देखने को मिल रहा होगा? क्या यहाँ पे इंडस्ट्री इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है आपको, या क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से हॉलीवुड में या बॉलीवुड में एनिमेशन हो रही है, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह से अगले 10 साल में चीजें कॉमन होंगी कि नहीं होंगी? हनान भाई, आपका सवाल तो बहुत वैलिड है, लेकिन थोड़ा माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर पाकिस्तान में बात करें तो लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा काम आता है, चाहे वो बेसिक पे हैं, चाहे वो बेसिक एनिमेटर हैं, लेकिन उनको काम की समझ और उनके अंदर क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी आपको ऐसी चीजें बनाते हैं। अच्छा जी हनान भाई, अच्छा हनान भाई, हम बात कर रहे थे उस चीज की कि फ्यूचर एनिमेशन पे जो है ना, हम बात कर रहे थे बीच में हमारा जो है शायद नेट की वजह से। जी, आई थिंक नेट की वजह से। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर जो एनिमेशन की बात कर रहे थे, जिसमें फिल्म मेकिंग और डिफरेंट जो चीज़ें आ रही हैं उसकी बात कर रहे थे। अगर आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको पहले जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सवालात क्रिएट हो जाते हैं कि यार फिल्म क्यों नहीं आ रही। अगर एक फिल्म बनना शुरू होती है, जब वो फिल्म बन भी जाती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसिस्टेंस आना शुरू हो जाती है कि यार इस फिल्म के अंदर ये चीज़ें और ये डायलॉग्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी। लेकिन जब आप उन चीज़ों को कवर भी कर लेते हैं, तो जब पब्लिश होने की बारी आती है, जब लॉन्च की बारी आती है, तो तब कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर बड़ी सारी एनिमेशन भी की होती हैं, बड़े लोगों ने काम भी किया होता है, लेकिन सबकी जो मेहनत जो है ना वो ज़ाया जाती है, तो इसमें काफ़ी जो है ना वो फिर दर्दनाक होता है। खैर, लेकिन अभी जो है सूरत हाल कुछ ऐसा है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एनिमेटर्स पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। आई थिंक हर घर के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं और काम भी शुरू किया हुआ है। बच्चों की स्टोरियाज बना रहे हैं, कार्टून एनिमेशन। अगर कोई जैसे कि अभी जो लाइव सेशन सुन रहे हैं, जो अगर वो चाहते हैं कि यार एनिमेशन शुरू करें, कोई चीज़ बनाएं, कोई चीज़ करें, तो सिंपल है। आप एक बच्चे की, आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे की या 1 क्लास के बच्चे की, आप उसकी बुक लें, और उसके बाद उसके ऊपर जो स्टोरी है, पहली स्टोरी लें और उसके ऊपर वो कार्टून जनरेट करके आप उसको यूट्यूब पे लगाएं, ठीक है? देन इसे अगली स्टोरी बनाएं, फिर उसको अपलोड करें, देन उसके बाद आप फाइवर पे साथ साथ काम करें, वहां से आपको कोई अर्निंग का सोर्स होगा। देन जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल वो बड़ा आसान है, आप उसको बड़े आराम से जो है ना वो सीख सकते हैं। अगर फ्यूचर में बात करें, तो एनिमेशन जो है वो फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जरूरी यूज हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर अभी रिसेंटली एक मौला जट मूवी आई थी, जो कि पब्लिश नहीं हो सकी, लेकिन एक मौला जट के अंदर जब आप उसका करेक्टर्स देखते हैं, जब आप एक फाइट हो रही होती है, तो जब कैमरे की रोटेशन होती है, जब एक कैमरा यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो उसके अंदर जो ये एक बेसिक एनिमेशन, ये एक छोटी एनिमेशन है, ये आप घर पे बैठ के भी, आप अपने मोबाइल कैमरे से भी रोटेट कर सकते हैं। जब आप उसको सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक, कितने ड्यूरेशन टाइम के अंदर आपने उसको फास्ट करना है, स्लो करना है, तो वो आप देख सकते हैं।
इतने टाइम के अंदर अगर आपने स्लो किया है, बाकी कहाँ फास्ट करना है, ये आपकी बेसिक एनिमेशन है। उस फिल्म के अंदर भी ऐसी एनिमेशन बहुत सारी इस्तेमाल हुई है, जब वो फाइट हो रही होती है तब वो कैमरा कभी कहीं से रोटेट करता है, जब वो फाइट के बाद जो होता है कैमरा कहाँ से रोटेट करता है, ये छोटी छोटी बेसिक है। ये यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हमारे पास वो पड़े हुए हैं, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं और सारी चीज़ों को चेक करें, तो आप फ्यूचर के अंदर देखेंगे। अलहमदुल्ला मुझे तो बहुत यकीन है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेटर्स बनने वाले हैं, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं कहता हूँ कि फुल जान मारें, फुल वो जो है अपनी प्रैक्टिस करें, और तीन चीज़ें जो बेसिक अभी आपके पास अगर क्लाइंट नहीं है तो दो चीज़ें अपनी जो है ना वो सबसे पहले जुनून पैदा करेंगे, मैंने वाकई ये काम करना है तो करना है, ठीक है। दूसरा क्रिएटिविटी, सोचें बच्चों की सोच, सोचें यार एक बच्चा सोचता है कि अगर सितारे हैं, कोई गाड़ी है, कार्टून टाइप गाड़ी आगे मेरे आगे से गुजर रही है, तो आप बनाएं उसको, क्रिएट करें। जब आप उसको क्रिएट करेंगे तो देन कुछ ना कुछ आपके माइंड में कोई और नई चीज़ क्लिक करेगी, देन उसके बाद क्रिएट करें। अगर आपको मैं बेसिक बताऊं तो मिकी माउस, आप देखा ये एक होगा 1940s की बात है, अगर एक इसने क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी सोची और उसको आप दुनिया का एक ऐसा मतलब कि उसका बन गया हुआ है सितर कि आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप 2D, वो भी पहले 2D में चलता था, मिकी माउस भी 2D में था, आप 3D में है। टॉम एंड जेरी देखें, अभी रिसेंटली जो है टॉम एंड जेरी के जो क्रिएटर्स हैं उनकी डेथ हुई, और देखें वो टॉम एंड जेरी एक कैसा एक करेक्टर था, एक सोचा और उनके बाद उसको कैसा बनाया, और उसके बाद फिर उनसे कैसा काम लिया गया, ये कब से शुरू हुआ और आज उसका देखें 3D मॉडल है, पहले जब था वो 2D मॉडल था, फिर उसके बाद अब 3D मॉडल में है। इसी तरह जब आप भी उस काम में शुरू हो जाते हैं तो वो काम कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लेके जाएगा, वो काम आपको ले जाएगा, आप बेशक जाए ना जाए, आप वो काम आपको कहीं ना कहीं पहुंचा जरूर देगा। सो फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक है सबको। अरे फराज भी, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं हमारे पास। उसमें अभी हमें मैसेज आया था जे जे का, तो वो ये कह रहे हैं कि जी अभी वो बेसिक लेवल से उन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया, तो इसी वजह से शायद अभी स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे साद अबास साहब हैं और वो कह रहे हैं, सर फराज आई एम योर बिगेस्ट फैन, और सर मुझे कुछ एडोबी फोटोशॉप के वाले से कुछ गाइड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अभी आगे हम लोग एक दफ़ा सारे कॉमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया हुआ है उमर परवेज साहब ने, और वो कह रहे हैं जी फराज इन इज ऑन ड्यूटी नाउ, और आर एन डी आ ही गया बीच में। जे जे कह रही जी थैंक यू सो मच, मुझे समझ में आ गई कि मैंने आगे किस तरह से उसको लेके चलना है। अच्छा यहाँ पे फौजिया गुल हैं, वो कह रही जी सर वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन के लिए जरूरी है फोटोशॉप एडोबी सॉफ्टवेयर ही यूज करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा भी ये क्वेश्चन था कि हाँ एडोबी इलस्ट्रेटर और उसमें ज्यादातर काम होता है, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास इस वक्त? अच्छा, अगर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वो उसको समझ जाएंगे, उसको क्लिक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी, मतलब कि आपके लिए सब आसान हो जाएगा। सिंपल करते हैं हम उसको, अगर आप चीज़ों को सोचेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनेगी, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आप सिंपल ये देखें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा खेलूं, टेक्स्ट के साथ मैं करना चाहता हूं, उसको ट्रिपोग्राफी बोलते हैं, अगर वो टेक्स्ट के साथ खेलना चाहता हूं तो मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करें, उसको ट्राई तो करें, एक दफ़ा ट्राई करके देखें क्या कहता क्या है। अगर एक ऐप डाउनलोड करें, आप उसको ट्राई करें, अच्छी लगती है, देन उसके बाद फिर आप किसी सॉफ्टवेयर पर जाएं। हाँ, अगर आपने कहना है कि मैं कोई एक वीडियो, मैं मोबाइल से एक वीडियो बनाता हूँ देन उसके बाद उसको एडिट करना चाहता हूँ, यार बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, नहीं नहीं यार ये मुश्किल नहीं है, आप सिंपल क्या करो, मोबाइल के ऊपर जाओ, अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाओ, उसी के अंदर एडिट की ऑप्शन होती है, उसको कभी प्रेस करके देखो। हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से वीडियो बनाई बस उसको देख ली, कभी ये नहीं सोचते कि यार मोबाइल के अंदर और भी फंक्शंस हैं, हम उसको एडिट के ऑप्शन पे करें, उसका साउंड चेंज करें, उसके ऊपर कोई फिल्टर लगाएं, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगाएं, हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। ये एक बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं कोई थोड़ा सा इस लेवल पे काम करूँ कि यार किसी को नजर आए, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपको अडोब फोटोशॉप आना चाहिए, और अडोब इसलिए क्योंकि उसमें काफ़ी इतने टूल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप एक प्रोफेशनल एनिमेटर, एक फोटोग्राफर, आप उसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनर तक जो है ना वो बन सकते हैं। ये एक बेसिक है, आप उसकी थोड़ी सी चंद टूल्स सीखें, उसके एक दो ट्यूटोरियल देखिए अडोब फोटोशॉप के, देन उसके बाद फोटोशॉप आपकी पिक्चर्स के लिए, ठीक है। अगर आप कोई पिक्चर लगाते हैं तो उसके ऊपर आपका अडोब फोटोशॉप के ऊपर थोड़ा सा हाथ होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर आप कोई पिक्चर अगर यूज़ करते हैं वीडियो के अंदर तो वो ब्लरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ब्लर ना हो, देन उसके बाद उसको पिक्चर सही नज़र आ रही हो, उसका फेस नहीं नज़र आ रहा हो, बैड स्माइली ना हो, स्माइली अच्छा हो, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर टेक्स्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा फेस पीछे हो ताकि टेक्स्ट नज़र भी आ जाए, ठीक है, साइड पे कोई एनिमेशन करनी है तो वो थोड़ी सी रोटेट हो इस तरह की, तो उसके लिए अडोब प्रीमियर है, अडोब आफ्टर इफेक्ट है, उसके बाद सबसे आसान और बेसिक जो है वो एक टूल है उसको फिल्मोरा बोलते हैं, फिल्मोरा, अब आप वो यूज़ कर लें, फिल्मोरा इतना इजी है, इतना हैंडी है, मतलब कि आप उसको जब आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसके अंदर क्लिप्स जोड़ेंगे, आपने वीडियो के अंदर पिक्चर्स जोड़नी है, उसके अंदर ट्रांजिशंस लगानी है, उसके अंदर इफेक्ट डालना है और उसको रेंडर करके निकाल के उसको पोस्ट कर देना, सिंपल है, अगर आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें। सबसे पहली बात मैंने जैसे आपको पहले बोला ना अनार भाई, जुनून, काम करने का जुनून, हाँ सिंपल, अगर काम करने का जुनून है, अगर आज मैं बाहर निकलता हूँ जाके अभी, सबसे अच्छा और सबको मैं एक बड़ा बेहतरीन जो बेसिक एनिमेटर्स हैं उनको एक मशवरा दे रहा हूँ, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हनान भाई, इसलिए कि स्पेशली क्योंकि अभी ऐसा डेज चल रहे हैं कि सब लोग थोड़ा सा जो है ना वो सब सोशल मीडिया पे हैं, पहली चीज़, दूसरी चीज़ सब लोग अपने घरों में हैं, मसरूफ़ हैं, एरियाज ब्लॉक हुए हुए हैं, इस तरह अपना मोबाइल फ़ोन लें, बाहर निकलें, अपने आप को कवर करें, बाहर निकलें, थोड़ा सा शूट करें, लोगों के कमेंट्स ले लें, उसको लाएं, उसको एडिट करें, ठीक है, फिल्मोरा के अंदर कर लें, प्रीमियर कर लें, अडोब फोटोशॉप के अंदर कर लें, जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है, उसको ट्राई कर लें, उसको करने के बाद आप जब उसको एक दफ़ा करेंगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब आपका एक दफ़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर आपके पास आपने कहना है कि बस जब मैं बाहर ही रहूँगा, क्योंकि मोस्टली पहले जब स्टार्ट पे था ना, जब शुरू किया था मैंने काम, तो मैं काफ़ी एरिया में जाता था, यहाँ से कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज में जाता था, यूनिवर्सिटीज़ के विजिट होते थे, फिर वो यूनिवर्सिटी में शूट करता था, फिर तीन तीन दिन, चार चार दिन घर भी नहीं आता था, तो घर वाले भी कहते थे कि यार क्या तुम, अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि अब बैठ के काम करते हैं, एक टाइम आता है उसको ना, आप जब आई थिंक एफर्ट करते हो, एक टाइम आता है कि फिर आपको जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेटर, अच्छी और आपके लिए कम्फर्टेबल हो जाती हैं, चीज़ें कम्फर्टेबल होना शुरू हो जाती हैं, जब आप चीज़ों के लिए खुद से एफर्ट करते हो फिर वो चीज़ें जो है ना वो आपके लिए कंफर्टेबल क्रिएट कर लेती हैं, जोन क्रिएट कर लेती हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैं भी थोड़ी एडिशन करना चाहूँगा, वो ये कि इस वक्त लॉकडाउन के बाद से हमने तकरीबन 78% जो है वो सोशल मीडिया का यूज़ इंक्रीज देखा है, ठीक है, और ना सिर्फ सोशल मीडिया का बल्कि इवन आपके जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं लाइक आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, गेम्स ले, हर इंडस्ट्री में जो कि आपकी ऑनलाइन थी उसमें तकरीबन 25% बूम आया है पिछले तकरीबन एक महीने के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एडिशन करना चाहूँगा कि एनिमेशन की जो मार्केट साइज है वो तकरीबन 13 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंक्रीज हो चुका होगा, और हर साल जो है तकरीबन 11 इशारिया से जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि एक एवर ग्रोइंग फील्ड है। हम लोग वैसे जब भी एनालिटिक्स में बात करते हैं ना फराज भाई, तो हम ये देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में 10% या 10% से ज्यादा ग्रोथ है ना वो बहुत हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि 10 साल बाद वो बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि 100% बढ़ जाती है वहाँ पे, जिसमें तो 11% हमें ग्रोथ नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो उमर परवेज साहब का एक क्वेश्चन है, और वो पूछते हैं कि जी कैमरा ट्रैकिंग एनिमेशन और मोशन कैप्चरिंग में जो है वो फर्क बता दें अगर आप, तो थोड़ा सा उनको मतलब आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से। सवाल जरा दोबारा रिपीट करें। उनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि सर प्लीज कैमरा ट्रैकिंग एनिमेशन और मोशन कैप्चरिंग में फर्क बता दें। बेसिकली अगर आप उसको देखें ना कि कैमरा ट्रैकिंग की बात करें ना, तो सिंपल ट्रैक कैमरा ट्रैकिंग के अंदर अगर आप कोई अगर एक कैमरा सेट करते हैं तो आप जब उसके फोकस के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी के फेस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो एक ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, जहाँ जहाँ आप उसको रोटेट करते जाते हैं तो वो उसके फोकस करते हुए उसकी तरफ रोटेशन जो है ना शुरू हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मोस्टली अगर आप देखते होते हैं ना कि अगर कोई एक बंदा वीडियो बना रहा है तो देन उस वीडियो बनाते हुए करता ये कि कैमरा कभी इस तरफ लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, वो पर्सन अगर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा तो अक्सर कोई पिक्चर ब्लर हो जाती है, वीडियो ब्लर होगी, तो इस तरह की ये चीज़ें इफेक्ट आते हैं, इसलिए जो है ना कैमरा ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। कैम आपने कनेक्ट रहना है कैमरे के साथ, आपको उस पार्ट्स पता होने चाहिए, यही चीज़ें अगर आपने ट्राई करनी तो आपने फ़ोन पर ट्राई करके देखें, आजकल फ़ोन के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, मैं इसलिए फ़ोन जो है वो बार बार कैमरे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेसिक्स पे हैं, जिनके पास घर पे कैमरा भी नहीं है,
वो पहले पहले तो ये सोचती थी यार मैं कैमरा कहाँ से लूंगा, ठीक है अच्छा कैमरा ले लूंगा तो फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल कैसे करूंगा, तो ये सारी चीजें को देखना पड़ रहा है। तो इसलिए पहले आप फोन पे ट्राई कर लें, जब आप फोन से अगर आप, क्योंकि आजकल तो लोगों के पास सबके पास एंड्रॉयड फोन और आईफोन सब कुछ है, तो इसलिए ये था कैमरा ट्रैकिंग। और दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कैमरा ट्रैकिंग के बाद क्या, मोशन मोशन कैप्चरिंग के बारे में मोशन बोल रहे कैप्चर, थे। हाँ जी मोशन कैप्चर, कैप्चर जब आप कैमरा ट्रैकिंग के अंदर ही जो आप दूसरी चीज अगर देखें ना, तो उसमें मोशन कैप्चरिंग है। तो जब आप एक कैमरे को दूसरी तरफ मूव करते हैं तो उसमें मोशन जो है ना वो आपके कैप्चर होना बहुत जरूरी है। जब आप एकदम जो है ना वो कैमरे को रोटेट करते हैं, फौरन से मूव करते हैं, तो अगर आप फौरन से नहीं करते उसके बाद अगर उसको सॉफ्टवेयर में ला के अगर उसको स्लो डाउन करके या फास्ट करके उसको करते हैं, तो आपके मोशन जो है ना वो मूव हो सकते हैं। ठीक है ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप उसको कैमरा ट्रैकिंग से अगर अगले पॉइंट पे आते हैं तो आपने सिंपल ये करना है कि सबसे पहले आप जो भी कैप्चरिंग करें तो उसको स्लो में करें, आप 29 फ्रेम पर सेकेंड्स के ऊपर करें, 25 फ्रेम पर सेकेंड्स के ऊपर करें, ये नॉर्मल होता है। अगर आप इन दोनों के ऊपर कर रहे होते हैं तो उसके बाद जब आप उस पर जाते हैं तो उसको स्लो या फास्ट आप कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक था। अच्छा खैर जी आगे चलते हैं। यहाँ पे जरार मेहर साहब कह रहे हैं कि जी सर आपकी आवाज में थोड़ा सा इशू, वो थोड़ा सा बीच में का नेट का जब इशू था तब ये मैसेज आया हुआ था। हाँ अच्छा जी उसके बाद जुनेद और रहमान साहब का एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि सर उन्होंने अभी वीडियो शुरू किया, वीडियो एडिटिंग शुरू की है वेडिंग्स के वाले से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ऐसा कौन सा कुछ स्टूडियो है जहाँ पे जाके मैं अप्लाई करूँ या प्रीमियर प्रो यूज करूँ, मतलब उसके वाले से कुछ गाइडेंस आ रहे हैं कि वेडिंग वीडियो जो है वो किस तरह से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या इसके अंदर चीजें जो उनको चाहिए हो सकती हैं। अच्छा, पहले तो भाई को मैं बड़ा बड़ा मुबारक देता हूँ कि उन्होंने काम तो शुरू किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सीरियसली अगर यूनिवर्सिटी की एक दो शूट किए थे और वो मैंने इसी तरह किए थे, मैंने जाकर वहाँ पे नंबर ड्रॉप किया था, देन उनको बताया था कि मैं इस तरह फोटोग्राफर हूँ, मेरे पास कैमरा है और मैं उसकी थोड़ी सी स्किल्स जानता हूँ, मैं और मजीद सीखना चाहता हूँ, तो काइंडली प्लीज मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने क्या किया था, सिंपल मेरा नंबर ले लिया था, देन उसके बाद फिर मुझे कॉल की, उन्होंने कहा जी हमारा एक इवेंट आ रहा है आपने साथ जा रहे हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं साथ गया, बाद में उन्होंने बिठा के मुझे समझाया बताया कि यहाँ पर आपने इस तरह लेनी है, इस तरह लेनी है, ये आपके लिए और मेरे लिए वो बहुत लर्निंग था, बहुत ज़्यादा। इस तरह आपके लिए भी है कि आप जाएं और जाके उसको सर्च करें, देखें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कि आपके काम शुरू करते हैं तो याद रखें कि अपनी मार्केट को ज़रूर देखें, इर्द गिर्द अपनी मार्केट को ज़रूर देखें कि आपकी मार्केट क्या है। ठीक है आपकी खाली मार्केट आप खुद नहीं हो, ठीक है मैंने काम शुरू किया है तो वो बस मेरे तक महदूद ना रहे, मैं वो काम करूं और दूसरे को भी पता हो कि यार मैं वाकई काम करता हूँ। काफी लोग जो है ना वो काम करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा इसमें घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं कि यार पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ, पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे। परेशान ना हो, सब काम दुनिया के हैं तो सब काम होने हैं, आप जाओ जाके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी चीजों को डेवलप करो और उसको यूटिलाइज करो। यहाँ पे मियाँ हैदर साहब कह रहे हैं R&D guys, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे साथ अवैध अहमद साहब है, वो कह रहे हैं कि सर हाउ टू लर्न एनिमेशन स्किल्स। जी बेसिक है मेरे साथ वही, देखो तो बड़ी दफा एक ही क्वेश्चन बार 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 रिपीट कर बार दिए हैं बार और कोई कोई हाँ कोई मसला नहीं इस पर। बेसिक मैं अवैस साहब को ये कहूँगा कि अवैस भाई आप सिंपल जो है वो दो टूल सीख लें, अडोब फोटोशॉप और अडोब प्रीमियर या फिल्मोरा भी आ जाए, आप उसके ऊपर जो है ना वो एनिमेशन करें, लेकिन आप क्रिएटिविटी जनरेट करें, पूरी क्रिएटिविटी जनरेट शुरू करें, आपके खुद के ख्याल होने चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, तो आपके पास उसकी पूरी स्टोरी जरूर होनी चाहिए पहले से। ये ना हो कि अगर मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल गया हूँ अब बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ये शॉट कर लूंगा, ये शॉट लूंगा, ये
आप पहले सोच लें कि यार मैं ये शॉट लूंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां की सूरत हाल क्या है, वहां का मौसम कैसा है, वहां की चीजें कैसी हैं। हम ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम शूट के लिए निकलते हैं, कोई रिकॉर्डिंग के लिए निकलते हैं, तो हम सबसे पहले सारी चीज़ों को मेयर करते हैं। सारी चीज़ों को मेयर इस तरह करते हैं कि हम देखते हैं कि यार वहाँ का मौसम ऐसा है तो मुझे किस तरह जो है ना वो कैमरे को यूज़ करना है। अच्छा, अगर मैं ट्रैवलिंग के दरम्यान में क्या शूट जो है ना, क्या क्या शॉट्स जो है ना मैंने लेने हैं, गाड़ी से उतरते हुए चढ़ते हुए क्या क्या शॉट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जब आप ये ले लेते हैं, देन उसके बाद आप कोई बेसिक सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, उसमें जाएँ, उसमें एडिट करें और अपने आप को जो है ना वो इम्प्रूव करें। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन भी है आपसे और कुछ लोगों ने भी खैर मुझसे पूछा। एनिमेशन करके आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे एक है राइम्स, आई गेस राइम्स के नाम से कोई एक चैनल है, इस तरह के बहुत सारे चैनल जहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स वगैरह वो गा रहे होते हैं, एनिमेशन चल रही होती हैं। और इसी तरह एक चैनल है, उसका नाम खैर अब मैं ऑन नहीं ले सकता, उसमें एक मेरा दोस्त है ना वो एज ए CTO काम करे, तो मुझे बता रहा था कि लास्ट ईयर में तकरीबन उन्होंने 6 करोड़ रुपीज उस चैनल में से अर्न किए, वो इंडिया का लड़का है। यस, ऐसे ही। तो आप ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में अगर हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो क्या एनिमेशन के जरिए हम यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, या क्या उसका फ्यूचर हो सकता है हमारे लिए उसके लिए? अच्छा, सबसे पहले बेसिक तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि अगर आप कहें कि एनिमेशन जो है ना वो अगर आप उसको करें और करने के बाद आप उससे अर्न ना करें, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल है, परफेक्ट है। आप एनिमेशन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो आपको उसका कहीं कभी ना कभी जो है ना वो अर्न ज़रूर करेंगे। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई थी, ठीक है, और उसके बिहाव पे मेरी 2 दफ़ा कहीं ना कहीं जॉब लगी है कि जी आपने ये क्रिएट की थी। मैंने कहा जी मैंने क्रिएट की थी, आपके पास फाइल आया? मैंने कहा जी बिल्कुल है। और मैंने उनको दिखाई और उन्होंने कहा जी बिल्कुल वेलकम, आप आए। इसी तरह जो है ना वो अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, ज़रूर है ना, जब आप चीज़ों को बनाते हैं, बनाने के बाद उसको इग्नोर मत किया करें, उसको कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करें, कहीं ना कहीं लाएं सामने। अगर आप देखें, अब मैं तो बड़ा पहले बेसिक था, ठीक है, बेसिक से शुरू ही किया था, ठीक है, सब लोग बेसिक से शुरू करते हैं। इसी तरह जो बेसिक्स हैं, आप उनको सारी चीज़ों को डेवलप करें, बनाएं, बनाने के बाद आप एक यूट्यूब पे लाएं। अब यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अगर बात, जैसे कि आपने बात की, वो इतने डॉलर्स और इतने पैसे कमा रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर वैसे ब्लॉगर्स भी हैं जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, उनके अंदर भी एनिमेशंस हैं। अगर मैं, काफ़ी सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, अगर हमारे पास स्पेशल देखें तो यहाँ पर बहुत सारे हैं जिनका 6.5 मिलियन जो है ना वो रीच है, और वो मंथली जो है ना वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अब उनकी बेसिक एनिमेशंस क्या हैं? अगर वो मूव करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, ठीक है, जब गाड़ी से पाँव नीचे रखते हैं तो देन उसके शूज़ के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी लाइट्स लगा देते हैं, जैसे वो रखता है ऐसे पाँव, ऐसे पाँव रखता है तो वो कोई थोड़ा सा ऐसे लगता है, फील होता है कि कोई चीज़ रखी गई है। तो बेसिक, इसका बेसिक एनिमेशन, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद उन्होंने थोड़ी सी उसमें एनिमेशन की, और देन उसको बाद उसको रिसाइज करने के बाद उन्होंने पिक्चर को लगाया। तो अगर कोई बंदा अगर ऐसे करता है तो ऐसे करते हुए अगर यहाँ से कोई फायर या आग या कोई कोई चीज़ निकलती है, तो दैट्स इज एनिमेशन, ठीक है। ये बेसिक एनिमेशन हो रही हैं आजकल के जितने व्लॉगर्स हैं, यूट्यूब पे हैं, वो तो सारी ये बेसिक एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत सारे चैनल्स हैं जो बच्चों की स्टोरीज बना रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों के लिए एनिमेशन कार्टून्स बना रहे हैं, उसके बाद और लोगोज एनिमेशन एनिमेट कर रहे हैं। जब आप देखते हैं किसी कंपनी का जब लोगो ऐसे रोटेट करता है, दैट्स इज एनिमेशन। और लोगो एनिमेशन फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर इतने लोग बैठे हुए हैं काम देने के लिए, इतने ज़्यादा लोग हैं, और उसका अच्छा अच्छा पैसे देने के लिए तैयार है, $30, $40, $50 फाइवर के ऊपर देने के लिए तैयार। और वो तो कह रहे हैं ऑलरेडी कि जो है ना वो आप हमसे काम लें, आपको एनिमेशन आती है, आप ये लोगो बना दें और उसके जो है ना पैसे लें। आप मुझे बताएं कि आप एक बेसिक बंदा भी है, अगर उसको थोड़ी सी हाव नाव है, वो एक लोगो एनिमेट कर लेगा तो वो पैसे कमा सकता है, उसको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। जब वो थोड़ी सी एफर्ट कर लेगा, देन उसके बाद वो फिर एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा कि उसका यूट्यूब चैनल भी चलेगा, वो अर्न भी करेगा, देन उसको फिर लोग भी जो है ना उसको जानेंगे भी। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन खैर काफी सारे आते जा रहे हैं, लेकिन हाँ जी हम ये जी लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और मुझे पता आप बड़ा मुश्किल से आपने टाइम हाँ जी निकाला उसमें। अच्छा, जुनेद और रहमान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, वो कह रहे हैं कि जी मैं एनिमेशन के कर रहा हूँ ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट यूज करके, और वो कह रहे हैं कि मुझे एनिमेशन इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो मुझे जॉब के वाले से सजेशन दें और कोई एक आधा यूट्यूब चैनल भी रेकमेंड कर दें जिसके जरिए मैं थोड़ी बहुत एनिमेशन जो है अपनी बेहतर कर सकूँ। हाँ जी
अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक आपकी जॉब के बारे में बात करें ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम जब एनिमेशन का नाम लेते हैं ना, तो लोगों के जहन में ये नहीं आता कि यार ये क्या ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ सकता है, क्या ये कोई एक हो सकता है कि कोई ऐसा व्लॉगर हो जो जिसकी रीच ज़्यादा हो और उसको लोग चाहिए हो, ये उसके साथ भी जुड़ सकता है, ये एक ऐसी चीज़ है ये सबके साथ जुड़ सकता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को भी एक लोगो बनाने की ज़रूरत होती है, उस कंपनी को भी एक मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, और जब मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग के ऊपर जो है ना वो सबसे पहले हमारी बेसिक एनिमेशन ही काम करती है। आप छोटी सी वीडियो बनाएंगे उस कंपनी की, देन उसको अपलोड करेंगे, आप कंपनीज में अप्लाई करें, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करें, आप यूट्यूबर्स के साथ रबते में रहें, उनसे बात करें, आप जितने ब्लॉगर्स हैं सबके से रबता करें, उनको कोई एनिमेशन चाहिए आप उनको एनिमेशन प्रोवाइड करें, आप उनके साथ जुड़ जाएं, आप अर्न करना शुरू कर देंगे, आप एक टाइम आएगा उसके साथ साथ आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, आपको एक लेवल मिल जाएगा, देन उसके बाद फिर आप हो सकता है कि आपको किसी एक कंपनी में पहले एनिमेशन की जरूरत ना हो, आपके जाने के बाद उनको कोई जरूरत पड़ जाए कि यार बाकी हमें होना चाहिए, आप जाएं तो सही। पहले मैं एक बेसिक एक मैं आपको बता दूं कि पहले मैं एक एनजीओ में था, एनजीओ में काम करता था, आपने जैसे नाम लिया बरकत एनजीओ में काम करता, जो एक बड़ी फास्ट काम कर रही है और बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। अब एक एनजीओ के अंदर एनिमेशन का क्या काम है, एक सवाल तो ये बनता है एनिमेशन का क्या काम है। लेकिन अब जब हम वहाँ पर जब यूनिवर्सिटीज में जाते थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे उनके सेमिनार्स होते थे, सेमिनार्स को कवर करता था, देन उसके बाद उसकी एनिमेट बनाता था, चीज़ों को बनाता था, देन उसके बाद फिर वो जब अपलोड करता था उसकी रीच बढ़ती थी। अब सिंपल एक इवेंट को अपलोड कर देना और उसके बाद उसको थोड़ा सा एनिमेट करके अपलोड कर देना, दोनों में डिफरेंस होता है, वो अच्छा खासा होता है और रीच भी जो है ना फ़र्क करती है। इसलिए मेरा भाई आप डिफरेंट जगह अप्लाई करें, उनको अपनी वर्थ दिखाएं कि यार बाकी मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं मेरा ये काम है और मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एनिमेशन के लिए जो है ना वो मैंने भी एक चैनल है, बहुत ज़्यादा सीखा उससे, बहुत ज़्यादा मतलब कि लर्न किया उससे, पर वो ऑरेंज है, ऑरेंज नाम है उसका, ऑरेंज सेवन है, बड़ा ज़बरदस्त है, उसके ऊपर आपके हर एक ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, अडोब फोटोशॉप के, अडोब प्रीमियर के, अडोब आउटर इफेक्ट के, आप उसके बाद ब्लेंडर के, आप वो देखें, हर किस्म की ट्रांजिशन एनिमेशन आपको वहाँ से मिलेगी, और बहुत ही सिंपल, हार्डली वो होता है 10 10 मिनट का, उसके अंदर आपको जो है ना वो बेसिक्स से ज़्यादा समझा दिया जाता है। सो ये तो था, बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरा भाई। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी आज एक अच्छा उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा आ पूछा रहे है। हैं। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक है एनिमेशन और तो कहते हैं ना, बहुत ही कम फोकस किया गया डिफरेंट शूट की तरफ से इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन क्योंकि आने वाला दौर इसी का है तो इसलिए बड़ा लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल। अच्छा, मोहम्मद नबीद साहब कह रहे हैं कि सर मुझे गाइड करें कि मैं एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं पॉइंट्स वगैरह जब डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो क्या मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करके, पॉइंट्स डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, पॉइंट्स डिजाइन, अच्छा बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि आप पोइम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो कार्टून बेबीज के लिए या बच्चों के लिए कार्टून जनरेट करना ये तो बहुत इजी है वहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में, प्रीमियर में। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो एक प्रीमियर, सबसे पहले प्रीमियर आता है, देन आफ्टर इफेक्ट आता है। आफ्टर इफेक्ट एक थोड़ी सी वास्ट है, और आपकी कोई फिल्म मेकिंग है, कोई अच्छा खासा ठीक ठाक काम है, तो आप आफ्टर इफेक्ट में जाएँ, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आफ्टर इफेक्ट में जाएँ, क्योंकि उसके ऊपर उसको चलाना और उसको आपका सिस्टम के अंदर आपकी रिकमेंडेशन सिस्टम की जो होती है वो पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप प्रीमियर पर, प्रीमियर के अंदर अगर मैं नवीद भाई मैं आपको सिंपल एक कहूँगा, आप 1 क्लास के बच्चे की एक बुक लें, उसके बाद पहला पहली स्टोरी लें, या आप उससे भी नीचे चल जाएँ, केजी क्लास के या नर्सरी क्लास के बच्चे की एक बुक लें, पहली स्टोरी लें, और उसके ऊपर जो करेक्टर है, जो करेक्टर की उसके जो जो चीज़ें हैं आप उसको गए, अगर आपने वो कर ली तो आप सीधा फिर उसके बाद जो है ना वो आप कोई भी एनिमेशन तैयार करने के लिए तैयार हो जाए, और वो बहुत बेसिक हो, 2D में बनाएं, 3D में अभी ना जाएं, 2D में जाएं बनाएं, सिंपल एक करेक्टर लें, वो क्या करता है, एक था तीतर एक था बटेर, वो एक तीतर और बटेर की आपस में जो है कन्वर्सेशन जो है वो उसको चलाएं, आप उसको करें, आपका एनिमेशन तैयार होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे हाँ जी ठीक है वो, फिर देन फिर आप आगे चले, एक स्टेप पहला स्टेप तो लें, पहले स्टेप के बाद फिर आगे अगले स्टेप पे आना शुरू करें। जी अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज हर्ट हुई हैं, लेकिन इतनी सारी इंडस्ट्रीज हर्ट होने के बावजूद भी जो वीडियो मार्केटिंग इंडस्ट्री वो बिल्कुल अभी तक स्टिल वैसे ही है। आज भी कमर्शियल बन रही हैं, आज भी एनिमेशन बन रही हैं। हर कंपनी जो पहले एडवर्टीजमेंट के लिए बना रही थी, आज कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रही थी। दैट मीन्स के
इवन पेंडेमिक भी जो है वो आपका इस फील्ड को नहीं रोक सका। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि हम लोग पीएमए ट्रेनिंग्स में जो है वो एडोबी प्रीमियर और एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो है कोर्स भी करवा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट एनिमेशन जो सिखाई जाती है। ठीक है, उसमें कार्टून एनिमेशन से लेके जितनी भी एक टाइप की एनिमेशन एग्जैक्टली जो है मुझे उतना नहीं कन्फर्म पता, लेकिन वो सारी की सारी जो है उस कोर्स के अंदर है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो रमज़ान की जो है वो ऑफ भी चल रही है उसकी, तो आप उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लोजिंग के ऊपर जो है मैं फराज साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल टाइम हमें दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे भी नहीं आइडिया था एनिमेशन के वाले से कि हो सकता है कि ऐसी एग्जिस्ट करती हूँ, जो आपने आज मुझे क्लियर कर दी। और कम से कम इतना हो गया कि कल को अगर मैं एनिमेशन फील्ड में जाता हूँ तो मुझे ये पता होगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से रहना है एटलीस्ट। ठीक है, जी तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए वेरी वेरी थैंकफुल। सबसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा उसके लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं बिन भाई ट्रेनिंग के, और खास तौर पे आप जो ऑनलाइन सेशंस घर पे बैठ के देख कर रहे हैं ना, ये चीजें कर रहे हैं, ये बहुत बहुत लर्निंग है इसमें। ये लोग जब सीखते हैं चीज़ों को पता लगता है, जब आप मुख्तलिफ लोगों को लाते हैं तो इसमें चीज़ों को पता लगता है। अभी जैसे आपने बात की कि इन डेज के अंदर जो है ना सारी कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। हाँ, घर पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ें घर से हो रही हैं, तो एनिमेशन तो काम ही घर से है। पहला तो स्टार्ट ही ये जो है ना घर से, एनिमेशन का काम ही आपका एक सीट पर बैठ के है, नो भागम भाग नहीं है। आप बैठें, सिस्टम दिमाग लगाएं, सिस्टम करें और उसको चलाएं। बाकी PNY और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और काफ़ी थैंक यू सो मच जी। अच्छा, एंडिंग के साथ साथ जो है मैं चाहूंगा कि आप अगर हमारी ऑडियंस को कोई सजेशन देना चाहें, कोई एडवाइस करना चाहें कि आगे वो क्या करें या इस सिचुएशन में वो किस तरह से लड़ सकते हैं ताकि कुछ एक एडिशन हो जाए हम उनके लिए। जी सबसे पहले तो मैं जो है ना वो सिर्फ सिंपल मेरी ये कि काइंडली खुदाया इसको थोड़ा सा सीरियस ज़रूर लें। काफ़ी लोग जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस नहीं ले रहे इन डेज के अंदर जो हालात हैं उनको, थोड़ा सा सीरियस लें। काफ़ी मुश्किलात हैं, थोड़ी सी मुश्किल देखें, हम बैंगा मुस्लिम मुश्किलात आती हैं, उसके बाद फिर हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे आसानी पैदा हो जाएगी और सबके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अभी कुछ ऐसे हालात गुजरे जिसमें बहुत सारी जॉब्स लोगों की चली भी गई, अब कुछ ऐसे हालात अब आएंगे इंशाल्लाह आएंगे कि बहुत सारी जॉब्स पैदा की होने वाली है, क्योंकि अभी ज़रूरत बढ़ने वाली है। क्योंकि जब ज़रूरत बढ़ेगी, जब चीज़ें बढ़ेंगी, तो उसके बाद जो है ना वो उन चीज़ों के अंदर जो है लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी। जब ज़रूरतें बढ़ती हैं फिर आगे सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो खैर, मेरी सजेशन ये है कि अगर आप घर बैठे हुए हैं और फ्री हैं, एक तो सबसे पहले कि PNY बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करा रहा है, इनके ऊपर जो है ना वो आप PNY की ट्रेनिंग्स लें। देन उसके बाद अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं, वीडियोज़ बनाना चाह रहे हैं, घर के अंदर बैठें छोटे छोटे बी रोल्स बनाएं। बी रोल से मुराद एक चीज को लें, उसको रखें, उसको थोड़ा सा एनिमेट करें, कैमरे से मूव करें, एनिमेट करें, एडिट करें और उसको यूट्यूब चैनल पर जाएं आप, और ये काफ़ी चीज़ें सीखें। अभी रमज़ान के डेज हैं, आप लोग यकीनन जो है ना वो चीज़ें जो चल रही होती हैं उनके दरमियान में आप सारी चीज़ों को यूटिलाइज करें, अपने टाइम को बचाएं, जाके जो कि ज़ाया करना है किसी और चीज़ में आप उसको जो है ना यूटिलाइज करें और ट्रेनिंग्स करें PNY की। थैंक यू जी, चलिए, थैंक यू सो मच फराज साहब। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना थैंक चाहूँगा यू। कि आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद है कि आप भी और बाकी सब जितने जो लोग हम लोग देख रहे हैं वैसे घर से देख रहे होंगे और अभी जो है सेहत वगैरह के वाले से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। जो है वो फिर कल हम लोग दोबारा सेशन में मिलेंगे। कल हम लोगों ने एक्चुअली सीरीज स्टार्ट किया, हम लोग हर रोज 9:30 से लेकर 10:30 तक आएंगे, और जो जो फील्ड पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर सकती है ना, जिसके अंदर लोग काम करते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि लोग जबरदस्त, जो घर बैठे हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं बीच में। ठीक ठीक है, है, बिल्कुल सही, ठीक है सो थैंक यू सो मच फराज साहब, सर, और थैंक यू सो मच इंशाल्लाह जी, मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह जब लॉकडाउन चलो खुलेगा। सर, तब थैंक यू तक सो के मच, लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।